आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ पनीर बॉम की, जिसके स्वाद का बम अगर आपके मुंह में न फूटे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। लाई हूँ ऐसी यूनिक रेसिपी, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस रेसिपी को देखने के बाद हमेशा के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने मेरी किचन में। तो एक पैन में डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक लच्छों में काटकर कुछ सेकंड्स के लिए इसे चलाएंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है कुछ इस तरह से। अब डालेंगे इसमें 4 हरी इलायची, 2 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक का टुकड़ा काटकर और 10-12 कलियां लहसुन की, इसे भी हम चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और डालेंगे इसमें 8 पीस काजू के, 4 पीस सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के लिए हैं तोड़कर डाल देंगे, और 1 बंच धनिए को काटकर पत्ती अलग कर ली है, डंडी अलग कर ली है। डंडियों को भी हम इसी पैन में डाल देंगे क्योंकि डंडियों में पत्ती से ज़्यादा फ्लेवर होता है और ये बात हर किसी को मालूम नहीं होती है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, डाल देंगे इसे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से चलाएंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे हम भूनते भी जाएंगे और गलाते भी जाएंगे। तो कुछ सेकंड्स चलाने के बाद कवर कर देंगे इसे और 2-3 सेकंड के बाद फिर कवर हटाएंगे, फिर मसालों को चलाएंगे, फिर से इसे कवर कर देंगे। और कुछ इस तरह से करने के बाद जब मसालों की बढ़िया बढ़िया खुशबू आने लग जाए तब समझें कि आप मसाला भून चुका है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे कवर करके टमाटर को अच्छे से गलने तक पका लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा और लिया है, इसे हम काट कर खरल में डाल लेंगे। 2 हरी मिर्चें या जितनी आप तीखा खाना पसंद करते हों ले सकते हैं, काट कर इसे डाल देंगे। और 10-12 कलियां लहसुन की फिर से ऐड करेंगे इसी में और इन सारी चीज़ों को कूट कर अच्छे से बारीक कर लेंगे। इसे हमें पेस्ट में नहीं बनाना है, इसे खरल करके ही बनाना है। और यहाँ पर जो हमने मसाले भुने थे वो एकदम ठंडे हो चुके हैं, डालेंगे इसे ग्राइंडर जार में और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जो पैन में मसाला लगा रह गया है थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी जार में डाल लेंगे, कवर करके फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब यहाँ पर दोबारा से पैन चढ़ा दिया है और डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं पर मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। डाल देंगे 1 छोटी वाली टिक्की जो लगभग 30 ग्राम के आसपास होती है, उसे भी डाल देंगे और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट होने के बाद डालेंगे इसमें कुटे हुए अदरक लहसुन और मिर्चे के दरदरा कुटे हुए मसाले को, पेस्ट तो इसे हम कह नहीं सकते क्योंकि इसे हमने दरदरा कूटा है। और इसके बाद 1 चम्मच भर के डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था। डालने के बाद इसे हम धीमी धीमी आंच पर कुछ देर के लिए भूनेंगे और जब इस तरह से खदकने लग जाए तब डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के शहद, टमाटर के खट्टेपन को कम करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह
एक चम्मच चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शहद डाला है और अब डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करते हुए। तो लगभग 5 से 7 मिनट इस मसाले को लगे हैं भूनने में। और अब लास्ट में डालेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम। फ्रिज में रखने से थोड़ा जम जाती है, तो इसे अच्छे से चला लें और चलाने के बाद 4 चम्मच डाल दें क्रीम को। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर क्रीम की जगह मलाई का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इस ग्रेवी में मलाई बिल्कुल भी ना डालें, सिर्फ क्रीम ही जाएगा। डाल दिया है 4 चम्मच क्रीम और इसे भी अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। और इसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस को कर देंगे ऑफ। और यहाँ पर ये ग्रेवी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर लिया है बर्फ़ जमाने वाली ट्रे, इसी में हमें ग्रेवी को बर्फ़ की तरह जमाना है। और इसके लिए हमें फ्रीज़र में इसे 7-8 घंटे के लिए रखना होगा, या तब तक रखना होगा जब तक कि ग्रेवी के आइस जैसे क्यूब्स बन नहीं जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी रेसिपी है जिसमें ग्रेवी को आइस ट्रे में जमाया जा रहा है। भाई यही तो इस रेसिपी की खास बात है। ग्रेवी को भरने के बाद कुछ इस तरह से टैप कर लें। और इसके अलावा मैंने 2 ट्रे और बनाई है, इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अब इन ट्रे को हम रख देते हैं 7-8 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में। और इसका क्या होने वाला है ये आपकी कल्पना से परे होगा, देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अब लिया है यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि प्याज में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और नमक डालने से इसमें अच्छे से पानी निकलेगा। और लिया है करीब 300 से 400 ग्राम पनीर। यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर दूध का पनीर फाड़ा है और उसे हम एक कपड़े में डालकर इसे अच्छे से इसका जो भी पानी है निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से। निकालने के बाद पानी को हटा देंगे और वापस से पनीर को हम इसी में डाल देंगे। पास से आप देख सकते हैं पनीर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसे एक थाली में डालने के बाद अब हमें हथेली से मसलते हुए इसे चिकना करना है, जिससे कि हम इसके बॉल्स बना सकें। और जब कुछ इस तरह से पनीर बंधने लगे तो आप समझें कि पनीर अच्छे से मसल चुका है। इसे वापस से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस वही कपड़ा बिछाएंगे जिसमें हमने पनीर को निचोड़ा था। डालेंगे इसमें प्याज को और इसे भी हमने निचोड़ते हुए प्याज का सारा पानी निकाल लेंगे। तब आप देख पा रहे होंगे प्याज ने कितना पानी छोड़ा है। निचोड़ने के बाद इस प्याज को भी हम पनीर में डाल देंगे। अगर हम प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो पनीर गीला हो सकता है, इसलिए प्याज का पानी निकालना ज़रूरी है। डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके डाल दें और थोड़ा सा लहसुन को बारीक काट कर डाला है, थोड़ा सा धनिया डाल लें और डालेंगे स्वादानुसार इसमें नमक, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच भुना जीरे का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए डाल दें 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 2 चम्मच मैदा, 4 चम्मच अरारोट। ये दोनों चीज़ें इसे अच्छी सी बाइंडिंग देगी। और डाल दें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाते हों। डालने के बाद सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मैश कर लें, मिला लें। अगर आपको मिश्रण गीला लगे तो अरारोट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लें। और यहाँ जो प्याज का पानी निकाला था उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। इसे भी हम अच्छे से घोल लेंगे, प्याज का रस कम है इसलिए अलग से पानी ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3-4 चम्मच पानी।
और कुछ इस तरह से गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। और चार पीस वाइट ब्रेड की मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ब्रेड क्रम बना लिया है, इसे भी एक प्लेट में लगा दें। ग्रेवी भी अच्छे से जम चुकी है, क्यूब्स बनकर तैयार हैं। और अब एक बड़े साइज़ के लड्डू जितना पनीर का मिश्रण लेंगे, हथेली पर उसे फैलाएंगे और जो हमने ग्रेवी की क्यूब जमा कर रखी है, एक एक क्यूब्स को इसके अंदर स्टफ करते जाएंगे। अच्छे से दबा दबा कर इसे बंद कर देंगे और कुछ इस तरह से बड़े लड्डू के साइज़ के बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल बनाने के बाद इसे हम घोल में डालकर अच्छे से लपेट लेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम में डालकर चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से बॉल्स तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने दो बॉल्स तैयार किए हैं, बाकी के बाद में बनाऊंगी, अभी दो बॉल्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई पर चढ़ा दिया है कुकिंग ऑयल, ऑयल खूब अच्छे से गर्म है, डाल दिया है दोनों बॉल्स को। अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और अलटते पलटते हुए इसे हम बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से दोनों बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बढ़िया। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। अरे भाई, वीडियो को छोड़कर कहाँ चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आके देखिए होता है क्या। डाल देंगे ऊपर से मेयोनीज, थोड़ी सी टोमेटो सॉस और धनिया पत्ती से इसे गार्निश करके पनीर बॉम्ब कुछ इस तरह से तैयार किए हैं मैंने। असली वाले बॉम्ब होते तो इन्हें पटक कर फोड़ देती, पर ये खाने वाले बॉम्ब हैं इसलिए कांटे की मदद से इनके पेट को फाड़ रही हूँ। भाई, इनके पेट में बहुत कुछ भरा है, पास से आपको दिखाती हूँ। इसके लुक को आप पास से देख सकते हैं और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं जो हमने क्यूब में जमाई थी, बिल्कुल पिघल चुकी है। अगर ये मुंह में जाकर ना फटे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अब या तो आप इसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं और या फिर रोटी पराठे पूरी किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है दोस्ती रोटी, लिंक आई बटन पर दे दिया है, वहाँ पर जाकर बनाने का तरीका देख सकते हैं और दोस्ती रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरों के मुंह में भी बॉम्ब फट सके। चलिए अब कर लेते हैं इसे टेस्ट। तो भैया, बहुत कस के फूटा है बम, हड्डी न दम। और ये रहा हमारा आज का शानदार डिनर। इतने मिश्रण में लगभग 8 से 9 बॉल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बात आपने नोटिस नहीं की होगी, चलिए मैं बताती हूँ। लोग ग्रेवी बनाकर कोफ्ते को ग्रेवी में डालकर सब्जी बनाते हैं, पर मैंने ग्रेवी को कोफ्ते के अंदर ही भर दिया और नाम दिया पनीर बॉम्ब। और जब ये बॉम्ब मुँह में फूटेगा तो वाकई में आनंद आ जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।